ये जिस पर अन्य जानवर खड़े हुए हैं, नॉर्थ में कम से कम 1000 गाय छत्तर चल रहा है और उनको उनकी व्यवस्था तो कोई कर नहीं रहा है यहाँ। और ये बाहर से जो गाय आ रही हैं, साजापुर की तरफ से सुना है कि गाय साजापुर की तरफ से आई हैं, पुलिस फोर्स भी साथ में है, गांव के लोग भी साथ हैं उस तरफ के, उनको लेके आ रहा है। वो कह रहे कि यहाँ गौशाला में ले जा रहा है, मोठ में कोई गौशाला है ही नहीं जिसमें कोई जानवर बड़े हैं। हम लोग तो मुश्किल से कांवरिया वालों ने एक जो थोड़ी बहुत व्यवस्था जो भी की है वो भी संपूर्ण तरीके से मतलब संपूर्ण नहीं है। हम लोग भी उसमें अपना योगदान करके जिस तरीके किसी भी तरीके से गायों को रोजाना बेड़ते हैं, रोजाना छोड़ते हैं। अब जो और गायें आ जाएंगी तो हम लोग कहाँ से व्यवस्था करेंगे इतनी, पर आखिर हम लोग की खेती क्या हो। हम लोग रात रात में नहीं सो पा रहे, रात भर जागते हैं, गायों के पीछे फिरते हैं। अधिकारियों से शिकायत की है, अधिकारियों से भी शिकायत की थी, मंगल दिवस में भी दी एप्लीकेशन दी थी हमने। अभी इस मामले में अधिकारियों क्या कहना है? अधिकारियों का कहना ये है कि हो जाएगी व्यवस्था, बस और कुछ नहीं है अभी। और अभी हाल में जो आए हैं साथ हम वो कह रहे हैं, हम तो साहब SDM साहब के कहने से आए हैं और वीडियो साहब ने कहा, SDM साहब उन्होंने कहा कि ले आओ हम गौशाला में बेड़ देंगे, लेकिन गौशाला यहाँ है ही नहीं। हम लोग क्या कैसे जाने दें जानवरों को यहाँ? पुलिस की जिम्मेदारी मेरी तो सही बात है, लेकिन अगर आप हर समाधान में कोई ना कोई आपत्ति करेगा समाधान कैसे निकलेगा? आपत्ति है ही नहीं। हमारा ये कह रहे हैं कि जी गाय जितनी है जी गिन के हम गिन के अंदर कर रहे हैं, इनमें टैग लगा रहे हैं, इन्हें हम या तो पशुपालक को देंगे या किसी गाँव की गौशाला में ट्रांसफर कर देंगे। मेरी बात तो सुन रहे यार प्लीज, या तो किसी गांव के गौशाला में ट्रांसफर करेंगे या पशुपालक को स्थानांतरित करा देंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे।